पंजाब 1919। जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सैकड़ों निहत्ते लोगों को भून डाला, तब भगत सिंह 12 साल के थे। देशभक्त परिवार में जन्मे भगत सिंह जल्द ही गांधीवादी आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों और दमन को करीब से देखा। सन 1922 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। चौरी चौरा में हिंसा की खबर सुनकर जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की एक तरफा घोषणा की, तब भगत सिंह जैसे नौजवानों को निराशा हुई। उन्होंने गांधीवादी अहिंसा के एकमात्र मार्ग को अस्वीकार कर दिया। इन्हीं दिनों रूस की समाजवादी क्रांति की खबरें भारत तक पहुंचने लगी थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने महसूस किया कि कांग्रेस के भीतर रहकर मजदूर किसानों के लिए नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने 1928 में हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसी साल साइमन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाकर लाला लाजपत राय की हत्या कर दी। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी ने एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मारकर इसका बदला लिया। एक साल बाद भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हुए। कोर्ट में उन्होंने अंग्रेज राज और कानून को मानने से इनकार कर दिया और समाजवाद की आवाज बुलंद की। इनकलाब जिंदाबाद का उनका नारा देश भर में गूंजने लगा। 23 मार्च 1931 को भारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। रात के अंधेरे में लाशें नदी में बहा दी गईं और अंग्रेजों ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार धर्मानुसार किया गया है। भगत सिंह तब 23 साल के थे। भगत सिंह के गांव खटकर कला में शहीदी दिवस मनाने की तैयारियां पूरे जोर पर हैं। आज सरकार भगत सिंह को एक देशभक्त के रूप में अपनाना चाहती है और खालिस्तानी ताकतें एक सिख आतंकवादी के रूप में। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिलों में न धर्म की दीवार थी न देश की सीमाएं। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जो विचार भगत सिंह ने लोगों के मन में समो दिए थे, तो अंग्रेजों ने एक दाव संप्रदायिकता रखी कि लोगों को उनके जात पात पे, उनके धर्मों पे बांटा जा सकता है। भगत सिंह उसको लेके ही उन्होंने भगत सिंह को, जिसे ही उसने कुर्बानी दी भगत सिंह ने, तो उसको भी उन्होंने इसी तरह बांटने के लोगों में भगत सिंह के सारे विचारधारा को कत्ल करने की कोशिश की। भगत सिंह सिख हैं, उनका सिख संप्रदाय से संस्कार किया गया है, राजगुरु का सनातनी तरीके से किया गया है और सुखदेव का आर्य समाजी तरीके से किया गया है। इनकलाबी एकता केंद्र 1947 में आज़ादी आई तो 20 साल तक किसी ने, जो इन लोगों ने कभी भगत सिंह का नाम या उसकी जो आज़ादी की लड़ाई में भूमिका थी उसकी बात नहीं कही। जब भी बात की जाती थी तो गांधी जी की जाती थी या नेहरू जी की जाती थी, मगर जब इन्होंने ये महसूस किया कि पंजाब में जो युवक लोग हैं उनमें भगत सिंह का बहुत नाम है, तो इन्हें भी याद आया या इन्होंने सोचा कि भगत सिंह के नाम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो स्टेट ने भी इनके स्टैचूज लगाने शुरू किए अलग अलग शहरों में और फिर खटखट कला में भी। और उस वक्त जब ये बातें शुरू हुई तो इसके साथ साथ स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने भी भगत सिंह के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो इसीलिए हमने ये 8 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पंजाब के अलग अलग गांवों में मार्चिस करते हुए भगत सिंह का जो असली फलसफा है वो फलसफा लेके हम अब गांव-गांव में जा रहे हैं। हिंदू सिख नु
ये आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो आप इसको देखने आए हो। सबसे पहली बात है जो चारों तरफ इसके जितने गेट हैं उनका कोई शटर या दरवाज़ा नहीं है, और जगह आपको सब ऊपर जाना पड़ेगा, और जहाँ हिंदू मुसलमान का क्रिश्चियन का क्वेश्चन होगा यहाँ कोई हर इंसान यहाँ आ सकता है, और सबके लिए ये गेट खुले हैं। और इसके जो फाउंडर हैं बुनियाद पत्थर रखने वाले हजरत मियां मीर साहब, वो मुसलमान थे। और अंदर जो है गोल्डन टेम्पल के हरी मंदिर के अंदर 24 घंटे हरी कीर्तन होता है, जिसमें कोई ये नहीं कि हिंदू की बाणी है या मुस्लिम की है। जहाँ बाबा फरीद जी की, गुरु नानक की बाणी गाई जाती है, वहाँ कबीर भगत की, वहाँ रामदास भगत की, तो सारों की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अटैच है वो गाई जाती है। उन्नीस सौ चौरासी में भिंडरनवाले और उनके साथियों के आतंक को रोकने सरकार ने स्वर्ण मंदिर पर हमला किया। भिंडरनवाले तो मारे गए लेकिन आतंक नहीं रुका। आखिर इंदिरा गांधी भी मारी गईं। इसके साथ साथ दिल्ली में हजारों बेगुनाह सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे कातिल जो हैं, एक दिन पहला सरदारों के जो घर हैं वो दिखा गया था, उसके बाद में शुक्रवार को हमारे आदमी और खंड पाठ हो रहा था, और वहाँ 12-13 आदमी बैठे थे, उनमें से घरों में से निकाल निकाल के उनको ऐसे बुरी तरह उठा उठा के मार रहे थे। और जो भागता था छत पर से छलांग लगा दी, गली में भाग गए और चारों तरफ घेरा डाल रखा था। उसके बाद में दो पेट्रोल बाल्टी पेट्रोल डाल के उनको जिंदा पहले पेट में सरिया मारा, सरिया मार के और फिर उसमें इतना पत्थर उठा के टांग पे मारा, वो टांग टूट के गिर पड़े। फिर दो बाल्टी पेट्रोल डाल के उनके ऊपर डाल के ना आँच लगा दी, और इधर इधर से उठा कर टायर पड़े थे वो भी उनके ऊपर डाल दिए। फिर हम बेहोश हो गए, हमारे को 2 घंटे के बाद होश आई। फिर हमने कोई पूछने वाला आया नहीं, हम रोते गए हैं पुलिस में। उसी वक्त 12-13 औरतें हम गई हैं, तो उन्होंने हमारे साथ पुलिस के आदमी आए हैं, कहते हैं जी अभी गाड़ी आएगी तो मेरे को बुला के ये लाशें उठा के लीजिए। अब हमारे बच्चे, एक हमारी पड़ोसन है गुड़िया, उसने हमारे बच्चे छुपा के रखे थे। हमारे सरदार जी की लाश जो थी ना सड़क में पड़ी रही। जब मोहल्ले वालों ने सब ने मिल के उनका वहीं संस्कार कर दिया, फिर हम घर में जा कर के बोरी लाई, बोरी में हाँ गर्म गर्म ही ऐसे हाथों से डाल के वो बोरी हमने सिर पे उठाकर घर पे ले आई। उसके बाद में इतवार के दिन को हम जमुना जी में खुद अपने हाथों से जल प्रवाह कर लिया। गवर्नमेंट की अपनी ही साजिश है इसमें ज्यादा, या कुछ लोग भड़काऊ लोग कुछ भड़क भी जाते हैं, जैसे जिन दिल्ली में दंगे हुए उनमें कई लोगों के भाई बहन या माँ बाप मारे गए, वो भी लोग लावारिस हैं कुछ, उन भी वो भी करते हैं कुछ अपना बदला लेते हैं, लेकिन ज्यादा से जो कत्ल होते हैं वो गवर्नमेंट की साजिश से होते हैं। ये निर्दोष लोगों को आपने आप मार दिया और हम पर दोष लगाती है और बदनाम सिखों को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते हैं। मगर आप तो ऐसे भाईचारे का नारा तो नहीं लगाते हैं कि हिंदू सिख भाई भाई या कत्ल नहीं होने चाहिए, ये तो आप तो खोल के तो नहीं कहते हैं। हम भाईचारे का नारा कैसे लगाएं, जो हमारे दरबार साहब पर एक्शन हुआ, हमारे हजारों लोगों को हत्याएं की गई दिल्ली में, बिना किसी के कारण के हमारे लोगों को हत्या की गई। इन्होंने किसी एक भी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम हिंदू सिख भाई भाई हैं,
सिर्फ इसीलिए कि जो सिख है और उसको मारा गया, उसकी प्रॉपर्टी को नाश किया गया, किसी लीडर ने नहीं कहा, किसी हिंदू ने नहीं कहा। नहीं कहा तो है, जैसे PUCL है, PUDR है, इन्होंने रिपोर्ट भी निकाली, आम जनता ने भी कुछ किया है, जैसे नागरिक एकता समिति बनी दिल्ली में, ऐसे पूरे देश में एकता समितियां तो हैं, जो लोग कहते हैं कि सिखों को मारना बिल्कुल गुनाह है। बहुत कम है, ऐसे नहीं है जैसे पंजाब में करना चाहिए, वैसे नहीं है, मगर है तो एक आध होगी, पंजाब में नहीं है, पंजाब में जो भी है ना वो हर एक हिंदू जो है पंजाब में वो सिखों के दुश्मन, सिख का दुश्मन है। जो भी कर रहे हैं, यानी जो भी है हिंदू तबके को दबाया जा रहा है जी, हर तरफ से बात यहाँ पे खत्म होती है। आज तक कभी भी इतने यहाँ पे काम हुए, इतने जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी यहाँ पे पथराव वगैरह हुआ है, बाद में हिंदू शिव सेना ने कुछ किया, जब पहले सरदारों ने कुछ किया उसके बाद में हम तो कम माने, हम सिर्फ अपनी रक्षा करते, हम लोग तो अपनी डिफेंस करते हैं, वो लोग हम पे अटैक करते हैं। सिख ये समझते हैं कि वो ऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनोरिटी, इसी तरह से हिंदू समझते हैं कि हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनोरिटी है, परंतु इन सभी चीजों के होने के बावजूद प्रॉब्लम तब पैदा हुई है जब सर्टन पॉलिटिकल फोर्सेस ने इन चीजों को, इस सारी सिचुएशन को अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। किरती किसान यूनियन के सरदारा सिंह, भिंडरांवाला जिसको आप सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, दमदमी टकसाल भी बहुत से लोग जानते होंगे, 78 तक पंजाब में बहुत कम लोग थे जो उसको जानते, किसी ने भिंडरांवाले का नाम नहीं सुना। लेकिन जिस समय अकाली पार्टी की गवर्नमेंट थी पंजाब में, जनता पार्टी के साथ पोजीशन 77 में बनी, उस समय कांग्रेस का ये इंटरेस्ट था कि एक तो इसमें जनता पार्टी जो मेनली जनसंघ है पंजाब में, हिंदू को अपनी पार्टी, हिंदुओं की पार्टी के तौर पे एक्ट करती है, एक तरफ वो है, एक तरफ ये अपने आप को सिखों की पार्टी कहते हैं, कोई ऐसा चीज इसमें दाखिल की जाए कि इनमें कोई आपस में डिफरेंस हो, इनमें वेज हो, तो ये गवर्नमेंट टूटे। उसी समय में भिंडरांवाला को कांग्रेस ने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पंजाब में इन दोनों ही तरह के टेररिज्म के खिलाफ, चाहे वो सिख फंडामेंटलिस्ट की तरफ से हो, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो, दोनों को ही हम लोगों ने फाइट किया है। खालिस्तानी दहशतगर्दी मर्दाबाद, 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 खालिस्तानी दहशतगर्दी मर्दाबाद, 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 सरकारी दहशतगर्द मर्दाबाद, मर्दाबाद, मर्दाबाद। आतंकवादियों के खतरे के बावजूद कई वामपंथी गुट भगत सिंह का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाते हुए खटकर कलां की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से, हम किसानी तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, हम उनको बताते हैं आपके दुश्मन जो हैं वो हिंदू नहीं है, कॉमरेड जयमल सिंह पट्टा, चाहे उसमें सरमाएदार हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, अलग अलग लोग हैं, तो आप सभी को लूटते हैं। जब अपनी डिमांड को लेकर आप लोग इकट्ठे होकर चलने को मजबूत होते हैं, तो आप उसको बांटने के लिए जो लोग ऐसी समस्याएं आप उसमें लाते हैं, जैसे खालिस्तान है, अनंतपुर का मता है, 1.5 साल हमने गाँव में साइकिलों पर, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के 15-20-25-30 आदमी ऐसे एक एक तहसील में मीटिंग करवाते हैं, वहाँ एक कमेटी बना देते और दूसरे गांव को ऐसे 1 साल लगातार हमने कोई भी गांव नहीं छोड़ा जहाँ हमारी KKU की किसान यूनियन की कमेटी नहीं बनाई। आज जो असी शहीद भगत सिंह ते उसके साथियों का सुनेहा थोड़े तक लेके आए हैं, तो पंजाब एक बड़ी दुखदाई हालत से लंघ रहा। असी जदों भी अखबार सवेर नूं चुक के देखते हैं तो किसी का ध्यान इस गल वल नहीं जाता कि बसों के किराए बढ़ गए आ,
ਕਿ ਘੇਰਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾੜੀ ਔਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਕਾਰੋ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਹੈ ਕੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤਰਫ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਹਿਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗ ਹਮਸੇ ਯੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੋ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਥੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਣਤੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋ ਖੁਦ ਵੀ ਉਨਕੇ ਲਿਖਤੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਉਨਕੋ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜਿਤਨਾ ਉਨਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇ ਦੇਖਾ ਥਾ, ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਕਾ ਥਾ, ਤੋ ਯੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਉਨਕੀ ਲਿਖਤੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਪਬਲਿਸ਼ ਥਾ ਕੁਛ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ ਥਾ, ਉਸਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ। ਕਿਰਤੀ ਮੇਂ ਛਪਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥੀਓਂ ਕਾ ਲੇਖ, ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਇਲਾਜ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਦਯਨੀਯ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸਰ ਫੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਇਨ ਦੰਗੋਂ ਮੇਂ ਵੈਸੇ ਤੋ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਕੱਤੇ ਕੇ ਦੰਗੋਂ ਮੇਂ ਏਕ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਸੁਣਨੇ ਮੇਂ ਆਈ, ਵੋ ਯੇ ਕਿ ਵਹਾਂ ਦੰਗੋਂ ਮੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨੋਂ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵਰਨ ਸਭੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਕਾਰਖਾਨੋਂ ਆਦਿ ਮੇਂ ਉੱਠਤੇ ਬੈਠਤੇ ਔਰ ਦੰਗੇ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਯੇ ਇਸ ਲੀਏ ਕਿ ਉਨਮੇਂ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਥੀ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਕਾ ਯਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਪ੍ਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰੋ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਪੈ ਭੈਣੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਪੈ ਭੈਣੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ।
सिख स्टूडेंट फेडरेशन भी भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनके पोस्टर पर तस्वीर भगत सिंह की नहीं, भिंडरांवाले की है। इस मीटिंग को तो बैन कर दिया था सरकार ने। ऐसा ही है, फिर भी जबरदस्ती करनी पड़ती है। मगर मीटिंग होगी पक्का? होगी पक्का ही। क्या भरोसा है कि होगी? वो पुलिस वुलिस नहीं आएंगी? आने दो, पुलिस आ जाएगी तो। इतने सारे बहुत देर हमने देखे हैं, करीब 2-3 हजार पुलिस तो। वो इधर नहीं आएंगे, उधर ही रहेंगे। इधर तो कम आएंगे थोड़े बहुत। हाँ, जे आ गए हटा लेंगे। हटा देंगे? और कैसे? मुकाबला करेंगे बोलते हैं। कैसे हटाएंगे? मुकाबले में हैं? इससे संगत बहुत होगी ना। मगर तैयारी है आपकी? फुल। हाँ, फुल तैयारी। दिखाई नहीं दे रही कोई भी तैयारी? दिखाने पड़ती नहीं, मौके में टाइम पर टाइम निकलती है। तो बकती होता है। क्या मांगे हैं फेडरेशन की? खालसा राज। खालसा राज मतलब? मतलब जे हर एक बंदे को अपना अधिकार चाहिए। कोई भी काम करना है अपनी मर्जी से करना पड़ेगा, जहाँ से सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। मगर इस यानी पंजाब में सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, तो इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि सिर्फ सिखों का राज होना चाहिए? सिर्फ सिखों का राज कहने का मतलब ये है कोई भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है। हाँ, अपने धर्म के उत्ते रह सकता है जो मर्जी करे, पर किसी धर्म को दबाया नहीं जा सकता। हरेक नु अपनी खोल होनी चाहिए है, अपने धर्म बारे प्रचार कर सकता है। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਪਾਨ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ? ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ, ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।
ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਏ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਏ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤੋਂ ਪੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਕੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾ ਲੇਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਤੋ ਆਗੇ ਤੱਕ ਚਲਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ। ये फोटोग्राफ हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के साथियों के हैं जो अलग अलग समय पे उस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। सात अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सखदेव को फांसी की सज़ा हुई और बाकी उनके सात साथियों को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई। तो अब जेल कोठरी में जाके भी भगत सिंह ने अपना पढ़ने और लिखने का काम जो है वो जारी रखा और उसी के जो उनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बाद वक्त समय समय पे जेल से अपनी फांसी की कोठरी से भेजे हैं वो उसका एक सबूत हैं। और ये जो 404 सफ़े की एक नोटबुक है, ये उनकी जेल में वो सभी जो पढ़ा है उसमें से जो कुछ विचार अच्छे लगे या जिनको वो अपनी लिखतों में इस्तेमाल करना चाहते थे उनको उन्होंने अंकित किया है। मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने की उग्रता को समाप्त किया? इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली आपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वो क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में ये परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल समस्त मजदूर समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करे? भगवान कहां है? वो क्या कर रहा है? क्या उसको मानव समाज के इन दुखों से सुख मिल रहा है?
हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। राजवीर का असी नहीं मनते उस रब देवे लीचा पा तो पहला वो गीत सुनो जी रही है ड्यूटी ते जान तां टाइम सिर घर ना आन तां हालात तो सारे यहो जी है तुहानू पता ही है इस करके टाइम सिर ही घर आना चाहिए साडा मुंडा टाइम सिर नहीं घर आता सानू आप बहुत बंदा चिंता रही रही है डैडी वो बहुत फिक्र करते है बाहर भाई वो ठीक ही रहा हो संत चिंता हैगी है ना उसकी बड़ा लड़का ही है आपके आप सीपीआई में हैं कब से इन्हां दे डैडी तो शुरू तो ही हैगे ने ते डैडी इहदे नूं हो गया उन्हां 20 साल 25 साल
ਪਾਰਟੀ ਚ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਸੁਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ। आप सीपीआई में हैं और आपके बेटे तो नक्सलाइटों के साथ इंकलाबी एकता केंद्र में है, ये कैसे हो? वो जो उदा अपना ख्याल विचार है ना, वो कॉलेज जांदा है उठो ही उदा हिसाब किताब मुंडिया मंडिया दे नाल ही हो गया। ठीक है, जो हो गया सानू कोई इतराज नहीं है। आप वैसे साथ में ही काम करते हो, आपके विचार सारा एक ही है? हां दलदे है विचार, वैसे किताबक तो वो अपनियां पढ़दा रहंदा, असि अपनियां पढ़दे रहंदे। जब हम भगत सिंह वाले जत्थे में जा रहे थे तो हमने देखा कि आपके बेटे के हाथ में बंदूक है, कभी चलाई है उन्होंने बंदूक? ना, चलाई तो नहीं कभी, चलाई है तो पता नहीं करदा, पता नहीं कभी देखी नहीं है, कभी नहीं चलाई, कभी देखी नहीं है, सिर्फ हाथ में रखता है, हाथ में भी नहीं देखी। हमारे तो घर में ही नहीं है तो उसने हाथ में कहा रखनी, बाहर पता नहीं वो कहाँ से ले ली होगी उसने, वो भी पार्टी वाला ने दी होगी। नहीं है तो रक्षा के लिए है। ਸੋਚਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਹਾਲੇ ਤਾਂ। ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਕਰਤੇ? ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ 11ਵੀਂ। ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਓ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਯੈਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਹੈ? ਤੋ ਆਪਕੋ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ? ਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ, ਡਰਨੇ ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? माता जी आपको डर नहीं लगता कि बच्चों को कुछ भी हो जाएगा? लगता है, लगता डर, जिन्ने जक घर नहीं आते उन्ने जक डर ही डर, जिन्ने नहीं आते जान मोट च रही। पुत धियां बड़े प्यारे आ, की करिए हुण, मुंडे हटदे नहीं, बड़ी गल खुशक जी है। मुंडियां नौकरी मिले तो आपे ना लगा, ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਦਰੋ ਦਰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਹੱਥਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੋ? ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੀਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਪੰਗਾ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਢ ਪਾਈਏ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਜਾਤ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। उनकी शिक्षा के कारण ही मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित करने का निश्चय किया।
परंतु मेरे पिता नास्तिक नहीं हैं। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ आकर ही मैंने धार्मिक समस्याओं और भगवान के बारे में बहस करना और आलोचना करना शुरू किया, परंतु मैं तब भी पक्का आस्तिक था। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा, मैंने ढंग से पढ़ना शुरू किया। इससे मेरे विश्वास और विचारों में अद्भुत रूप से बदलाव आया। मात्र हिंसात्मक तरीकों के प्रति लगाव, जो हमारे पुराने साथियों में काफी व्याप्त था, उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। हमें यह विश्वास हो गया कि केवल बेहद जरूरत पड़ने पर ही हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। आम स्थिति में जन आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति ही उचित है। ना अब कोई रहस्यवाद रहा, ना कोई अंधविश्वास। यथार्थवाद हमारा आधार बना। भगत सिंह का शहीदी दिवस, गांव खटकर कलां। अज शहीद दिवस संबंध में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पिंड खटकल कलां विखे एक सर्व पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिस विच वख-वख नेताओं वालों शहीदों नूं भरपूर श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईआं। मुख्यमंत्री श्री बरनाला ने भी इस मौके ते अपने विचार प्रगट कीते। ना ही सिखी ओह सिखाउंदी है, ना ही कोई धर्म इस तरह दी शिक्षा दिंदा है। ए कम जायज नहीं। जितनी जल्दी होवे इहनूं छड्ड देणा चाहीदा ताकि पंजाब दे अंदर शांति आ सके। उन्हां तों बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री बसंत साठी, मैं आपको भारत सरकार की ओर से, पद प्रधान प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की ओर से ये खुलेआम कह देना चाहता हूँ कि पंजाब अखाड़ का लोंगोवाजी के साथ, बल्लेवाजी के साथ जो कार्ड हुआ उसका एक एक लंच का समारोह करूँगा। उसी दिन 10 किलोमीटर दूर सिख स्टूडेंट फेडरेशन की मीटिंग। फेडरेशन के लोग बंदी करवा रहे हैं कि कोई भी सिख सिगरेट दारू नहीं पी सकता है, ये सही? जो तमाकू पीता है ना, अमृत छक के वो अमृत भंग करता है। कोई भी किरायत करता है, तमाकू पीता है, शराब पीता है, उसको हम सजा देंगे। वो कोई भी सजा हो सकती है, मौत भी हो सकती है, जो हमारा यानी कि हुक्मनामा होगा उसके। ये ऐसा आपने ऐलान किया है? जो सिख तमाकू बेचते हैं ना, वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे, जो सिख होकर अपनी दुकानों पर तमाकू। आज तो शराब शुरू भी, शराब के लेके भी है, ठेके वालों ने भी बहुत, ठेके वाले भी शराब लेने भी माफ नहीं किया जाऊंगा। तुम सिगरेट कोई पीता है उसको आप गोली से मार देंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जी जो साढ़े सिख नौजवान है जी, देखो डिसिप्लिन बनाने वास्ते तो करना ही पड़ता कोई ना कुछ। तुम मिलिट्री ले लो, अगर फौजी कोई मतलब वर्दी नहीं पाता तो कोर्ट मार्शल हो जाता कि नहीं? अच्छा, आज आप भगत सिंह दिवस मना रहे हैं? हाँ जी, भगत सिंह। मगर भगत सिंह ने तो खुद कहा था मैं सिख नहीं हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਮੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਕੋ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਮਝਾ ਟਾਈਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਥੀ ਉਨਕੀ ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇ ਉਲਝ ਗਏ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸੋਚਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਵੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਥੇ ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖੋਂ ਕਾ ਹਮ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੋ ਕਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਹਮ ਕਿਤਾਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਾ ਧਰਮ ਪਰ ਧਰਮ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਹਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਇਸਕੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਮਗਰ ਧਰਮ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਥੇ ਨਾ ਹਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜੇ ਥੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਲੜੇ ਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਲਈ ਲੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਪਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ फांसी कोहड़ी में तो हम 20 दिन पहले हम उनसे मुलाकात की लास्ट इंटरव्यू पे हम लोग थे तो वो लास्ट पत्र जो है मेरे नाम पे है कुलतार सिंह के नाम पे तो उसमें हम उनसे मिल के आए हैं वो मज़हब को तो आखिर वक्त तक उन्होंने इसको नहीं कहा बल्कि उनको एक हेडवार्डर गया तो उसने कहा कि जी प्रार्थना कर लो आखिरी टाइम आ गया तो उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा में विश्वास नहीं करता लेकिन अगर हो भी तो आज मैं इसलिए प्रार्थना नहीं करूंगा कि परमात्मा कहेगा कि आज तक तो ये मुझे मानता नहीं था आज मौत को देख के इसने मुझे मानना शुरू किया तो उन्होंने तो अपने हर बात से हर एक्शन से इस बात को किया कि हम सोशलिस्ट हैं सोशलिस्ट समाज में यकीन रखते हैं सरदार भगत सिंह पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने बड़े ज़ोर से सोशलिस्ट समाज के आदर्श को पेश किया और लास्ट मिनट तक गीत गाते हुए गए उनके दिल में मौत का कोई डर नहीं उस भगत सिंह को ख़ास तौर पर ये कोशिश करके कि उसको सिख बनाया जाए तो उनकी जो एक अपनी क्योंकि जो चाहते थे कि मैं एक नौजवान के तौर पर लोगों को के सामने आऊं उसकी बजाय हमने उसको एक पगड़ी बंधे हुए सिख के तौर पे बुत बना के खड़ा कर दिया ताकि आते जाते वो इस तरह लगे ये एक बहुत बड़ी मतलब अटैम्प्ट है जो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ब्रिटिश ने कोशिश किया उनको करने का दूसरी दफ़ा एक ट्रैवल है कि पहले उसको कौमी हीरो बनाओ फिर उसके बाद उसको सांप्रदायिकता का मतलब चिन्ह बना लो और फिर उसके नाम पे मतलब करो तो ये मैं समझता हूँ कि भारत के नौजवानों की खुशकिस्मती है कि भगत सिंह ने जो सोचा जो कहा उन्होंने लिखा मतलब इतना कुछ लिख के छोड़ गए कि भगत सिंह को मतलब आप बदल नहीं सकते। अब कोर्ट का फैसला एक हफ्ते में सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूं इस विचार के अलावा और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू एक राजा के रूप में पुनर्जन्म की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में पाई जाने वाली सुविधाओं और अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। मैं क्या आशा कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण मेरी गर्दन पर फांसी का फंदा कसेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटाया जाएगा वही अंतिम क्षण होगा। बिना किसी गौरवशाली अंत के संघर्ष की छोटी सी जिंदगी यही मेरा पुरस्कार है यदि मुझमें इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने का साहस है। लोग जो गांव में रहते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है किसानी है और किसानी
ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀਓ ਕਾ ਬੇਸ ਹੈ ਵਹੀ ਟੈਰਰਿਸਟੋ ਕਾ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਉਨਕੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਸਭੀ ਕੇ ਸਭੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਨਕੇ ਪੀਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਉਨਕੋ ਇਸੀ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇ ਲਈ ਹਰ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਵਾਈ ਛੋਟੀ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਸੇ ਰਾਤ ਕੋ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਗੁਰਸਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜੋ ਨਾਟਕ ਹੈ ਆਮ ਮਾਰੀ ਕੇ ਕੇ ਯੂ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰਸੂਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ CRP ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਕੀਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਇਹ ਲਕੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 38 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਸੁਣੋ 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 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਕੋਈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਓ ਰਾਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਰਾਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹਿੰਦੂ ਜੱਗ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜੀਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਘੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏ ਰਾਮ ਲਾਲ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਏ ਕਰਫਿਊ ਕਦੋਂ ਹਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਹਾਂ ਬਹੁ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪੱਪੂ ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜੇ ਪੱਪੂ ਚ ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਆ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ 3 ਮਾਰਚ 1931 प्यारे कुलतार आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था बरखुरदार हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना और क्या कहूं हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली ये मुश्तखाक है फानी रहे रहे न रहे अच्छा रुखसत हम तो सफर करते हैं हिम्मत से रहना तुम्हारा भाई भगत सिंह ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ये जो स्टेट टेररिज्म है इसके खिलाफ हमने ऐसे रिपोर्ट शाया की। और दूसरा, जो टेररिस्ट कार्रवाई करते हैं जैसे खुड्डा बस स्टैंड, वहाँ 24 बस मुसाफिरों को निकाल कर मार दिया गया, उसके खिलाफ भी हमने यही किया, कापूगंडा भी किया। मतलब जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं, यही नहीं, हमको भी धमकियाँ आती हैं, डराते हैं टेररिस्टों की तरफ से। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो गांव में है, कमेटी है, खुद ही ये काम करती है कि अगर कोई गांव में अटैक करने आता है, इसीलिए हिंदुओं के ऊपर आता है या किसी और किसी आदमी के ऊपर अटैक करने को आता है, तो उसका मुकाबला किया जाए। 17 मार्च 1988 को खालिस्तानी आतंकवादियों ने जयमल सिंह पड्डा की हत्या कर दी, मगर पड्डा जी की आवाज आज भी हमारे साथ है। लोगों को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं कि जिन्होंने लोगों की खातिर इतनी कुर्बानियां की, हम उन रास्ते पर चलते हुए कभी भी रुकेंगे नहीं, चाहे हमको भी जितनी कुर्बानियां करनी पड़े। ये गाना पेश करता हूँ। ओ यारो सानू नहीं ओ भुलनी, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਹੋਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਜੀ ਨਾ ਸਿਦਕ ਦੀ ਹਾਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਰੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੌ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਓਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਣੀ।
टाइम चिंता जी रहती है, ड्यूटी ते जान ता टाइम सिर घर ना आन ता हालात तो सारे यहो जी है तुहानू पता ही है, इस करके टाइम सिर ही घर आना चाहिए। साडा मुंडा टाइम सिर नहीं घर आता, सानू आप बहुत बंदा चिंता रही रही, डैडी वो बहुत फिक्र करते है, बाहर भाई वो ठीक ही रहा हो, संत चिंता हैगी है ना, उसकी बड़ा लड़का ही है। आपके आप सीपीआई में हैं कब से? इन्हां दे डैडी तो शुरू तो ही हैगे ने, ते डैडी इहदे नूं हो गया उन्हां 20 साल दी, 25 साल। 25 साल कैसे कैसे पार्टी में गए? पार्टी च मतलब भी उस तरह ही वो मतलब हिस्सा लेंदे ने, पार्टी मैंबर नहीं है, उस तरह हिस्सा लेंदे जिते कोई प्रोग्राम होए सुन जरूर जाते है। तो सतपाल डांग उन्होंने नाल जरा उन्होंने देखभाल अच्छी है, तो मैं मतलब पार्टी मैंबर है। आप सीपीआई में हैं और आपके बेटे तो नक्सलाइटों के साथ इंकलाबी एकता केंद्र में है, ये कैसे हो? अपना ख्याल विचार है ना, कॉलेज जाता है उतो ही हिसाब किताब मुंडिया मंडिया के नाल ही हो गया, ठीक है जो हो गया सानू कोई इतराज नहीं है। आप वैसे साथ में ही काम करते हो, आपके विचार सारा एक ही है? हाँ दलदे है विचार, वैसे किताबा कतूबा अपन पढ़ता रहा, अस अपन पढ़ते रहने। जब हम भगत सिंह वाले जत्थे में जा रहे थे तो हमने देखा कि आपके बेटे के हाथ में बंदूक है, कभी चलाई है उन्होंने बंदूक? ना चलाई। ये सरदार भगत सिंह को पता होता कि मेरी कुर्बानी तो बाद भी, मेरे फांसी चढ़ने तो बाद भी सिख कौम को ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ। अभी फेडरेशन के लोग बंदी करवा रहे हैं कि कोई भी सिख सिगरेट दारू नहीं पी सकता है, ये सही? जो तम्बाकू पीता है ना अमृत छक के, वो अमृत भंग करता है, कोई भी किरायत करता है तम्बाकू पीता है शराब पीता है उसको हम सजा देंगे, वो कोई भी सजा हो सकती है, मौत भी हो सकती है, जो हमारा यानी कि हुक्मनामा होगा उसके। ये ऐसा आपने ऐलान किया है? जो सिख तम्बाकू बेचते हैं ना वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे, जो सिख होकर अपनी दुकानों पर तम्बाकू आज शराब शुरू भी शराब के ठेके भी है, ठेके वाले भी शराब लेने भी माफ नहीं किया जाऊंगा। तुम सिगरेट कोई पीता है उसको आप गोली से मार देंगे, तो ये तो बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जी जो सारे सिख नौजवान है जी, देखो डिसिप्लिन बनाने वास्ते तो करना ही पड़ता कोई ना कुछ, तुम मिलिट्री ले लो, अगर फौजी कोई मतलब वर्दी नहीं पाता तो कोर्ट मार्शल हो जाता कि नहीं? अच्छा आज आप भगत सिंह दिवस मना रहे हैं? हाँ जी भगत सिंह, मगर भगत सिंह ने तो खुद कहा था मैं सिख नहीं हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ, मैंने वो तो कम्युनिस्ट थे। नहीं बाद में पता लगा है कि वो धर्म को भी मानते थे। नहीं पहले सिख थे जी, पहले सिख थी, बाद में जब मुस्लिम में आ गए वो तो फिर हो गए थे, समझा टाइम प्लानिंग थी उनकी। जब मुश्किल में उलझ गए तो उन्होंने केस कटा दिए, नहीं तो धार्मिक तो थे। अगर उन्होंने किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक हूँ तो इसके बारे में क्या सोचना? भगत सिंह से जो वो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे और हम भी जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम भगत सिंह की भर्ती बना रहे हैं। भगत सिंह ने तो ये भी कहा था कि भाईचारा होना चाहिए हिंदू सिखों का, हम भी कहते हैं भाईचारा तो चाहते हैं। भगत सिंह की किताब तो लिखी हुई है उन्होंने, जो किताब भी नास्तिक हूँ जो किताब भी लिखी है ना कांग्रेसिया ने लिखी है अपने शब्द नहीं है, अपने धर्म का धर्म पर धर्म को मानते हैं हम भगत सिंह को, इसके लिए इसलिए इनका जो समागम मना रहे हैं क्योंकि वो भी जेलों के खिलाफ लड़े और हम भी जेलों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। धर्म के लिए वो नहीं लड़े थे ना, हम जुल्म के लिए तो लड़े थे ना, जुल्म के खिलाफ तो लड़े थे, गुलामी के खिलाफ जुल्म के लिए लड़ता है। आजादी आई
तो 20 साल तक किसी ने जो इन लोगों ने कभी भगत सिंह का नाम या उसकी जो आज़ादी की लड़ाई में भूमिका थी उसकी बात नहीं कही। जब भी बात की जाती थी तो गांधी जी की जाती थी या नेहरू जी की जाती थी, मगर जब इन्होंने ये महसूस किया कि पंजाब में जो युवक लोग हैं उनमें भगत सिंह का बहुत नाम है, तो इन्हें भी याद आया या इन्होंने सोचा कि भगत सिंह के नाम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो स्टेट ने भी इनके स्टैचूज लगाने शुरू किए अलग अलग शहरों में और फिर खटखट कलां में भी। और उस वक्त जब ये बातें शुरू हुई तो इसके साथ साथ स्टूडेंट फेडरेशन वालों ने भी भगत सिंह के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो इसीलिए हमने ये 8 मार्च से लेकर 23 मार्च तक पंजाब के अलग अलग गांवों में मार्चिस करते हुए भगत सिंह का जो असली फलसफा है वो फलसफा लेके हम अब गांव-गांव में जा रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो आप इसको देखने आए हो। सबसे पहली बात है जो चारों तरफ इसके जितने गेट हैं उनका कोई शटर या दरवाज़ा नहीं है, और जगह आपको सब ऊपर जाना पड़ेगा, और जहां हिंदू मुसलमान का क्रिश्चियन का क्वेश्चन होगा यहां कोई हर इंसान यहां आ सकता है, और सबके लिए ये गेट खुले हैं। और इसके जो फाउंडर हैं बुनियाद पत्थर रखने वाले हजरत मियां मीर साहब, वो मुसलमान थे, और अंदर जो है गोल्डन टेंपल के हरी मंदिर के अंदर 24 घंटे हरी कीर्तन होता है, जिसमें कोई ये नहीं कि हिंदू की बाणी है या मुस्लिम की है, जहां बाबा फरीद जी की गुरु नानक की बाणी गाई जाती है वहां कबीर भगत की, वहां रामदास भगत की, तो सारों की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अटैच है वो गाई जाती है। KKU की किसान यूनियन की कमेटी ने बनाई। अज जदों असीं शहीद भगत सिंह ते उसदे साथियों का सुनेहा तुहाडे तक लैके आए हाँ तां पंजाब एक बड़ी दुखदाई हालत से लंघ रहा। असीं जदों भी अखबार सवेर नूं चुक के देखते हाँ ते किसे दा ध्यान इस गल वल नहीं जांदा कि बसां दे किराए वध गए आ, कि घेरा जां खंड दा भाव वध गया। सब तो पहला अखबार की किस सुरखी से नज़र जाती है कि किन्ने बंदे जड़े आ वो दहशत पसंद हथों मारे गए आ, किन्ने बंदे जड़े आ पुलिस हथों मारे गए आ। पंजाब के लोगों के सिर पर दो तरह की दहशत दियां तलवारां लटक रही। एक दहशत है उन्हां लोगों की जेड़े धर्म के नाँ पर बसा चो कढ़ कढ़ के लोगों को छरेआम गोलियां का निशाना बनाते आ, जेड़े लोग बिना किसी दुश्मनी के बिना किसी गलते क्योंकि कोई बंदा उन्होंने वांगू दाड़ी और केस नहीं रखता, इस करके बाजारों च गोलियां के छट्टे दे देंगे ते मासूम लोगों को कतल करके सिट देंगे। यही नहीं वो लोग जेड़ा भी कोई उन्होंने विरोध करता चाहे वह दाड़ी केस वाला भी क्यों ना हो चाहे वह सिख भी क्यों ना हो जेड़ा उन्होंने इन मनसूबों नाल सहमत नहीं हुंदा उस हरेक नूं गोली का निशाना बना रहे हैं। एक ये दहशत है। दूसरे पासे वो दहशत है जे इस दहशत ने दिल्ली दे विच बकारो ते कानपुर दे विच इंदिरा गांधी दे कतल तो बाद हजारों सिखां दा कतलेआम किया, जिहड़े अज भी पंजाब दा मसला सियासी तौर ते हल करन दी थां पंजाब दे लोकां दीआं जमहूरी मंगां मन्नण दी थां ते जोधपुर के जड़े कुछ बेकसूर लोग है कैद उन्होंने रिहा करने की बजाय
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤਰਫ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਹਿਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗ ਹਮਸੇ ਯੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੋ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਥੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਨਤੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋ ਖੁਦ ਵੀ ਉਨਕੇ ਲਿਖਤੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਉਨਕੋ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਜਿਤਨਾ ਉਨਕੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੇ ਦੇਖਾ ਥਾ, ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਕਾ ਥਾ, ਤੋ ਯੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਉਨਕੀ ਲਿਖਤੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਪਬਲਿਸ਼ ਥਾ ਕੁਛ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ ਥਾ ਉਸਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਨਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ। ਕਿਰਤੀ ਮੇਂ ਛਪਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥੀਓਂ ਕਾ ਲੇਖ ਸਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀਓ ਨੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੀ, ਮਗਰ ਪੱਡਾ ਜੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਜ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਖਾਤਰ ਇਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀ, ਹਮ ਉਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਆਪ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕਰ ਚੱਲਨੇ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਉਸਕੋ ਬਾਂਟਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਲੋਕ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆਏ ਆਪਸ ਮੇਂ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹਮਨੇ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਸਾਈਕਲੋਂ ਪਰ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇ 15-20-25-30 ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਏਕ ਏਕ ਤਹਿਸੀਲ ਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਏਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗਾਓਂ ਕੋ ਐਸੇ ਏਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਓਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ, ਜਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਕੇ ਕੇ ਯੂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਘੇ ਦਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਸੁਰਖੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾੜੀ ਔਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਕਾਰੋ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਹੈ ਕੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤਰਫ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਹਿਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗ ਹਮਸੇ ਯੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ये जो स्टेट टेररिज्म है इसके खिलाफ हमने ऐसे रिपोर्ट छाया की। और दूसरा, जो टेररिस्ट कार्रवाई करते हैं जैसे खुड्डा बस स्टैंड, वहाँ 24 बस मिसालों को निकाल कर मार दिया गया, उसके खिलाफ भी हमने यही किया, कापूगंडा भी किया। मतलब जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं, यही नहीं, हमको भी धमकियाँ आती हैं, डराते हैं टेररिस्टों की तरफ से। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो गांव में है, कमेटी है, खुद ही ये काम करती है कि अगर कोई गांव में अटैक करने आता है, इसीलिए हिंदुओं के ऊपर आता है या किसी और किसी आदमी के ऊपर अटैक करने को आता है, तो उसका मुकाबला किया जाए। 17 मार्च 1988 को खालिस्तानी आतंकवादियों ने जयमल सिंह पड्डा की हत्या कर दी, मगर पड्डा जी की आवाज आज भी हमारे साथ है। को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं कि जिन्होंने लोगों की खातिर इतनी कुर्बानियाँ की, हम उन रास्ते पर चलते हुए कभी भी रुकेंगे नहीं, चाहे हमको भी जितनी कुर्बानियाँ करनी पड़े। ये गाना पेश करता हूँ। ओ यारो सानू नहीं ओ भुलनी, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਹੋਏ ਹਾਣੀਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ। ਯਾਰ ਹਿੰਦੂ
CRP ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਲਕੀਰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਲਕੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 38 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਓ। ਰਾਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ, ਹਿੰਦੂ ਜੱਗ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜੀਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਘੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਕਦੋਂ ਹਟੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਹਾਂ। ਬਹੁ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਕੁੱਕੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਜੂ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪੱਪੂ ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਜੇ ਪੱਪੂ ਚ ਤੇ ਕੁੱਕੂ ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਆ? ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ, 3 ਮਾਰਚ 1931। प्यारे कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। बरखुरदार, हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रोज रोज दो चार मारते हो, दिन है जिदन नहीं मारते हो। ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹ ਵਿੰਡ ਪਾਈਏ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ ਆ? ਜਾਤ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। उनकी शिक्षा के कारण ही मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। परंतु मेरे पिता नास्तिक नहीं हैं। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहां आकर ही मैंने धार्मिक समस्याओं और भगवान के बारे में बहस करना और आलोचना करना शुरू किया। परंतु मैं तब भी पक्का आस्तिक था। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। मैंने ढंग से पढ़ना शुरू किया। इससे मेरे विश्वास और विचारों में अद्भुत रूप से बदलाव आया। मात्र हिंसात्मक तरीकों के प्रति लगाव, जो हमारे पुराने साथियों में काफी व्याप्त था, उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। हमें यह विश्वास हो गया कि केवल बेहद जरूरत पड़ने पर ही हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। आम स्थिति में जन आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति ही उचित है।
ना अब कोई रहस्यवाद रहा ना कोई अंधविश्वास, यथार्थवाद हमारा आधार बना। भगत सिंह का शहीदी दिवस, गांव खटकर कलां। अज शहीद दिवस के संबंध में शहीद याद सरदार भगत सिंह के पिंड खटकल कलां विखे एक सर्व पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आपके बच्चे क्या करते हैं? खेती खेती करते हैं तो आहा हाले पढ़ती है 11वीं। आपके बच्चे खालिस्तानियों का विरोध भी करते हैं? यस करते हैं। करते हैं? तो आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता, डरने की क्या बात है। माता जी आपको डर नहीं लगता कि बच्चों को कुछ भी हो जाएगा? लगता है, लगता डर। जिन्ने जगह घर नहीं आते उन्ने जगह डर ही डर। जिन्हें नहीं आते उन्हें जान मोट के रही तो तीन बड़े प्यारे आ की करिए हम मुंडे हटते नहीं है। बड़ी गल खुशक जी है मुंडिया नौकरी मिले तो आपे ना लगा पढ़े है दरों दर फिरी जाते फिरी जाते जे तो नौकरी कितने मिलती हो यो चलो इस काम च लगे रह। हथबाजी बना देंगे लोग रोज रोज दो चार मारते हैं जोड़ा दिन है जितने नहीं मारते हो झगड़ा नहीं होना चाहिए सारे कट्ठे होठे हो हिंदू भी मेरा अपनी जान ही है अपने वर्गे हिंदू भी हिंदू कहने भी वक्रे आ उन्होंने भी जान अपने वर्गी आ वो भी अपने भैन भरा ही आ ये तो आतबाजियाँ जो पाया हा पंगा जो भी हिंदू वक्रे करने सिख वक्रे करने कोई फर्क नहीं ये अपने भैन भरा वा जे ये विंड पाइए बहुत माड़ी गल है उन्होंने कहे घर छड़ने सौखे आ जात की जात का की फर्क पैंदा वा। मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ वो भी लोग लावारिस हैं कुछ उन भी वो भी करते हैं कुछ अपना बदला लेते हैं लेकिन ज़्यादा से जो कत्ल होते हैं वो गवर्नमेंट की साजिश से होते हैं। ये जो निर्दोष लोगों को आपने आप मार दिया और हम पर दोष लगाती है और बदनाम सिखों को बदनाम करने के लिए सब कुछ करते हैं। मगर आप तो ऐसे भाईचारे का नारा तो नहीं लगाते हैं कि हिंदू सिख भाई भाई या कत्ल नहीं होने चाहिए ये सो आप तो खोल के तो नहीं कहते हैं। हम भाईचारे का नारा कैसे लगाएं जो हम हमारे दरबार साहब पर एक्शन हुआ हमारे हजारों लोगों को हत्या की गई दिल्ली में बिना किसी के कारण के हमारे लोगों को हत्या की गई। इन्होंने किसी एक भी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम हिंदू सिख भाई भाई हैं सिर्फ इसीलिए कि जो सिख है और उसको मारा गया उसकी प्रॉपर्टी को नाश किया गया किसी लीडर ने नहीं कहा किसी हिंदू ने नहीं कहा। नहीं कहा तो है जैसे PUCL है PUDR इन्होंने रिपोर्ट भी निकाली आम जनता ने भी कुछ किया है जैसे नागरिक एकता समिति बनी दिल्ली में ऐसे पूरे देश में एकता समितियां तो हैं जो लोग कहते हैं कि सिखों को मारना बिल्कुल गुनाह है।
बहुत कम है, ऐसे नहीं है जैसे पंजाब में करना चाहिए वैसे नहीं, मगर है तो एक आध होगी तो कोई बार हो गए, पंजाब में नहीं है, पंजाब में जो भी है ना वो हर एक हिंदू जो है पंजाब में वो सिखों के दुश्मन है, सिख का दुश्मन है। जो भी कर रहे हैं यानी जो भी है हिंदू तबके को दबाया जा रहा है जी, हर तरफ से बात यहाँ पे खत्म होती है। आज तक कभी भी इतने यहाँ पे काम हुए, इतने जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी यहाँ पे पथराव वगैरह हुआ है, बाद में हिंदू शिवसेना ने कुछ किया है, जब पहले सरदारों ने कुछ किया उसके बाद में हम तो कम माने, हम मैं सिर्फ अपनी रक्षा करते, हम लोग अपनी डिफेंस करते हैं, वो लोग हम पे अटैक करते हैं। सिख ये समझते हैं कि वो ऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनोरिटी है, इसी तरह से हिंदू समझते हैं कि हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में एक मिनोरिटी है, परंतु इन सभी चीजों के होने के बावजूद प्रॉब्लम तब पैदा हुई है जब सर्टन पॉलिटिकल फोर्सेस ने इन चीजों को, इस सारी सिचुएशन को अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। कृति किसान यूनियन के सरदारा सिंह, भिंडरांवाला जिसको आप सभी पूरा हिंदुस्तान जानता है, दमदमी टकसाल भी बहुत से लोग जानते होंगे, 78 तक पंजाब में बहुत कम लोग थे जो उसको जानते, किसी ने भिंडरांवाले का नाम नहीं सुना, लेकिन जिस समय अकाली पार्टी की गवर्नमेंट थी पंजाब में जनता पार्टी के साथ कोलिशन, तब अक्तूबर अपनिया पढ़ता रहता है, अपनिया पढ़ते रहने। जब हम भगत सिंह वाले जत्थे में जा रहे थे तो हमने देखा कि आपके बेटे के हाथ में बंदूक है, कभी चलाई है उन्होंने बंदूक? ना, चलाई तो नहीं कभी, बार चलाई है तो पता नहीं, करता तो पता नहीं, कभी देखी नहीं है, कभी देखी नहीं है, सिर्फ हाथ में ही रखता है, हाथ में भी नहीं देखी, हमारे तो घर में ही नहीं है तो उसने हाथ में कहाँ रखनी, बाहर पता नहीं वो कहाँ से ले ली होगी उसने, वो भी पार्टी वाला लोगों ने दी होगी, नहीं आया तो रक्षा के लिए है। आपके बच्चे क्या करते हैं? खेती खेती करते हैं तो आहा हाले पढ़ती है 11वीं। आपके बच्चे खालिस्तानियों का विरोध भी करते हैं? यस करते हैं। करते हैं? तो आपको डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता, डरने की क्या बात है, माता जी आपको डर नहीं लगता कि बच्चों को कुछ भी हो जाएगा? लगता है, लगता डर, जिन्ने जक घर नहीं आते उन्ने जक डर ही डर, जिन्ने नहीं आते जान मोट च रही है, पुत धियां बड़े प्यारे आ, की करिए हुण मुंडे हटते नहीं, बड़ी गल खुशक जी है, मुंडिया नौकरी मिले तो आपे ना लग, पढ़े हैगे दरोदार फिरी जाते जे तो नौकरी कितने मिलती हो तो यो चलो इस काम च लगे रह, हथबाजी बना देंगे लोग, रोज रोज दो चार मारते हैं।
ਕਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ ये फोटोग्राफ हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के साथियों के हैं जो अलग-अलग समय पे उस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए सात अक्टूबर 1930 को भगत सिंह राजगुरु और सखदेव को फांसी की सज़ा हुई और बाकी उनके सात साथियों को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई तो अब जेल कोठरी में जाके भी भगत सिंह ने अपना पढ़ने और लिखने का काम जो है वो जारी रखा और उसी के जो उनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बाद वक्त समय समय पे जेल से अपनी फांसी की कोठरी से भेजे हैं वो उसका एक सबूत है और ये जो 404 सफ़े की एक नोटबुक है ये उनकी जेल में वो सभी जो पढ़ा है उसमें से जो कुछ विचार अच्छे लगे या जिनको वो अपनी लिखतों में इस्तेमाल करना चाहते थे उनको उन्होंने अंकित किया है मैं नास्तिक क्यों हूं मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को सेंट्रल जेल लाहौर 3 मार्च 1931 प्यारे कुलतार आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख पहुंचा आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था बरखुरदार हिम्मत से विद्या प्राप्त करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना और क्या कहूँ हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली ये मुश्तखाक है फानी रहे रहे न रहे अच्छा रुखसत हम तो सफ़र करते हैं हिम्मत से रहना तुम्हारा भाई भगत सिंह ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ये जो स्टेट टेररिज्म है इसके खिलाफ हमने ऐसे रिपोर्ट छाया की। और दूसरा जो